नमस्कार, हमारे YouTube चैनल लखनऊ नामा में आपका स्वागत है। अगर आप YouTube चैनल लखनऊ नामा पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, उससे नोटिफिकेशन आएंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़ी सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। इस वीडियो में सभी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, स्कॉलरशिप उससे रिलेटेड हमने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई, समाज कल्याण भी गए और लास्ट तक अभी तक आप सभी लोगों की स्कॉलरशिप आनी थी, लेकिन फिलहाल कल से जो स्टेटस में चेंजेस आई हैं, चाहे हम जनरल चाहे ओबीसी चाहे एससी चाहे किसी भी कैटेगरी की बात करें, उनके स्टेटस में जो चेंजेस आया, स्टेटस में चेंज ये आया है कि जिनका वेरीफाइड भी लिखकर आ रहा था वेरीफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, उन सभी लोगों का मैक्सिमम जितने लोगों का मुझे मैसेज आया है या जिनका कॉल आया है, इवन मेरे रूममेट का भी, उनका भी स्टेटस चेंज हो गया और उसमें लिख कर आया है कि फंड्स अब ख़त्म हो चुके हैं। उस लाइन का जो मतलब है कि स्कॉलरशिप अब बिल्कुल नहीं आने वाली है, फंड्स ख़त्म हो चुके हैं, पैसे सरकार के पास रह नहीं गए, अब वो छात्रों को पैसा नहीं दे पाएगी। हमारा सवाल ये है कि अगर आपको छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप नहीं देनी होती है तो स्टूडेंट को परेशान क्यों करना होता है? आप पहले फॉर्म भराइए, फॉर्म एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार आप सबमिट करिए, फिर समाज कल्याण के चक्कर मारिए, और इतना कुछ करने के बावजूद भी बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आती है, इसका क्या समाधान होगा? हमने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी और सभी लोगों से बताया था कि ट्विटर पर ट्रेंड भी कराया था, अगले दिन न्यूज़पेपर में भी आया था, लेकिन उस तरीके से क्या नाम है, आप लोग का सपोर्ट नहीं मिला था। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको फिर से इस मुद्दे को और आगे लेकर जाए तो आप कमेंट करिए और बताइए, फिर से ही ट्विटर पे कुछ ना कुछ ट्रेंड लेकर आया जाएगा, वी वॉन्ट स्कॉलरशिप वाला हैशटैग दोबारा चलाया जाएगा और रिक्वेस्ट की जाएगी कि जिनकी भी स्कॉलरशिप अभी नहीं आई है उनकी स्कॉलरशिप जल्द से जल्द प्रोवाइड की जाए।